पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान पशुपालन आंकड़े 2023 किए जारी। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का बताया अनुमान। पिछले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि। वर्ष 2022-23 का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बना उत्तर प्रदेश। पौष्टिकता के कारण विश्व भर में तेजी से बढ़ रही है श्री अन्न की मांग। श्री अन्न से हृदय स्वस्थ रखने, वजन नियंत्रित रखने और बढ़ती उम्र का प्रभाव कम करने में मिलती है मदद। उत्तर भारत में श्री अन्न के तौर पर ज्वार, बाजरा, जबकि दक्षिण भारत में रागी का किया जाता है इस्तेमाल। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के चलते चेन्नई, चेंगलपट्टू, त्रिवल्लूर और कांचीपुरम के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित। चेन्नई, चेंगलपट्टू, त्रिवल्लूर समेत कई तटीय इलाकों में झमझम बारिश के चलते यातायात प्रभावित। भोपाल में भी पश्चिमी क्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश की चेतावनी। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा दर्ज। प्रदूषण की वजह से दृश्यता पर पड़ रहा है काफी प्रभाव। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को है स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2022-23 के दौरान देश भर में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। गुवाहाटी में कल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन आंकड़े 2023 जारी करते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2018-19 में 187.75 मिलियन टन थी। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के अनुमान से वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन 3.83% बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 मिलियन होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के दौरान 103.80 मिलियन अंडों के उत्पादन के अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले 5 वर्षों में 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई। रूपाला ने बताया कि देश के कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का रहा है, जिसकी हिस्सेदारी कुल अंडा उत्पादन में 20.13% है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2018-19 में 8.11 मिलियन टन के अनुमान की तुलना में पिछले 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पशुपालन विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बजट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाने का निर्णय लिया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 से 14 तक
जो इस विभाग को बजट मिलता था वो 18,825 करोड़ रुपए का बजट था पिछले 10 साल मोदी जी की सरकार से पहले का। ये मोदी जी की सरकार आने के बाद 14 से 24 तक का जो हमारा बजट है वो 33,438 रुपए का, तो मतलब डबल बजट का एलोकेशन इस विभाग को करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर जितना काम प्रधानमंत्री जी ने हम नागरिकों के लिए किया, मानवों के लिए किया, उससे भी बढ़िया काम प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पशुओं के लिए किया है, इस मवेशियों के लिए किया। और सारे देश के मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन कराने का प्रोग्राम लगाया और उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराकर आज पूरे देश में हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ड्राइव चला रहे हैं। इसके कारण पशुओं की हेल्थ पर बहुत बड़ा विधेयात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मवेशियों की टीकाकारी की जा रही है और इसके लिए मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स बनाए गए हैं। करीबन 2000 से ज्यादा एम्बुलेंस से हमने मंजूरी दे दी है और 1500 से ज्यादा मोबाइल वेटरिनरी यूनिट देश में आज रोड पे हैं, काम पे लग गई हैं और पशुपालकों के द्वार पर इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब युवा पीढ़ी को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आगे आना चाहिए। IVF, AI, फिर सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इंडस्ट्री जो उच्च श्रेणी के पशुओं के लिए विकसित की गई है, हमारे वैज्ञानिकों ने बफेलो के लिए हमारी बफ चिप्स बनाई है, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन लगाया है, ब्रीडिंग फार्म के लिए हमने सब्सिडी का प्रावधान किया है और हमने पशुओं की पहचान के लिए भी एक बार कोड को डेवलप कर दिया है। टैगिंग में भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। इन सारे कार्यक्रमों को राज्य सरकारों की सहयोग से आज देश के पशुपालकों के लिए मुझे इतना ही कहना है कि अब युवा पीढ़ी को इन टेक्नोलॉजी का प्रयास करते हुए इसमें आगे आने की आवश्यकता है। और मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते अधिकारियों को चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC ने कहा कि चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर समेत कई तटीय इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से मेटेरोलॉजिस्ट अशफाक हुसैन ने भोपाल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा दर्ज की गई है और बहुत जगहों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम वर्षा के आंकड़े देखें तो वहाँ पर जो अभी जो आए हैं तो अलीराजपुर में आपके 5 जगह भारी वर्षा दर्ज की गई है, बड़वानी में 9 जगह में और झाबुआ में 3 जगह में और खरगोन में 6 जगह में भारी वर्षा दर्ज की गई है। और सबसे अधिक जो है झाबुआ में 110.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बाकी आपके इंदौर में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, भोपाल, रतलाम और नर्मदापुरम और शाहजहाँपुर यहाँ पर भी वर्षा दर्ज की गई है। और पूरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई, छिंदवाड़ा में 3 मिलीमीटर, सागर में व 1 मिलीमीटर। तो ये जो अभी सिस्टम जो है अभी जो पश्चिम से पूर्व तरफ मूव हो रहा है तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज पूरी मध्य प्रदेश में भी ये वर्षा का दौर जारी रहेगा और हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर की श्रेणी में दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से दृश्यता पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है।
पौष्टिकता के कारण विश्व भर में श्री अन्न की मांग तेजी से बढ़ रही है। श्री अन्न जैसे आहार से हृदय स्वस्थ रखने, वजन नियंत्रित रखने और बढ़ती उम्र का प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। उत्तर भारत में श्री अन्न के तौर पर ज्वार, बाजरा, जबकि दक्षिण भारत में रागी का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है कि श्री अन्न जैसे आहार का सेवन किया जाए। आइए समझते हैं कि श्री अन्न में हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है। सही आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। हम क्या खाते हैं इससे निर्धारित होता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने और सेहतमंद रहने के लिए बेहद उपयोगी है श्री अन्न यानी मिलेट्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। श्री अन्न या मोटा अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी इत्यादि शामिल हैं, पौष्टिक अनाज होते हैं जो फाइबर, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में भी मिलेट को क्षुद्र धान्य, श्री धान्य कहा गया है। विंटर में बाजरे का प्रयोग होता है, समर में गर्मियों में ज्वार का प्रयोग होता है। देश के अनुसार जैसे कि नॉर्थ में कोदो कंगुनी का प्रयोग ज़्यादा होता है तो साउथ में रागी जिसको मंडवा कहते हैं उसका प्रयोग होता है और महाराष्ट्र राजस्थान में ज्वार का प्रयोग ज़्यादा होता है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चेतना के कारण श्री अन्न जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाज अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं और दलिया, ब्रेड साथ ही स्वीट डिश के रूप में भी बनाए जा सकते हैं। मिलेट्स आयुर्वेद में रुक्ष, सूखा, फाइबर युक्त तो होने के कारण किसी न किसी स्निग्ध पदार्थों के साथ उसका लिया तो उसका पचन भी अच्छा होता है और शरीर के लिए वो दुगना लाभ करता है। जैसे कि ज्वार को घी के साथ लेना चाहिए, बाजरे को मक्खन के साथ लेना चाहिए या कंगुनी रागी का माल दूध के साथ लेते हैं। लेकिन अगर पारंपरिक अगर हमने स्रोत देखा तो हमारा एज अ स्टेपल फूड कहीं ना कहीं ज्वार, बाजरी, रागी इसकी रोटी बना के खाने का विधान है। और अगर ये जो लोग लेते हैं इनमें कैल्शियम, आयरन ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मिलते हैं। अगर हमने देखा तो कोई भी मिलेट अगर प्रोटीन जैसे दालों के साथ लिया तो उसका परिणाम भी हमें दुगना मिलता है। श्री अन्न का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। श्री अन्न के सेवन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं श्री अन्न। श्री अन्न का सेवन करने से हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रित रखने में उपयोगी है, साथ ही बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक है श्री अन्न। आहार में स्वाद के साथ पोषण का भी विशेष ध्यान दें। खाना खाते समय ये जरूर जान लें कि आपका आहार कितना पौष्टिक है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार मिलेट्स यानी श्री अन्न का नियमित सेवन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। अपने आहार में श्री अन्न को शामिल करें, बीमारियों के खतरे को कम करें और बेहतर स्वास्थ्य पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कानपुर से आई जूट की गुड़िया जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है तो वहीं आयुर्वेद स्नैक्स ने भी अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। मेले में तमाम जानकारियां समेटे हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पंडाल भी देखा जा सकता है। आईटीपीओ ने मेले में कैशलेस सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है और क्या खास बात है इस मेले में, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी गुड़िया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कानपुर से किरण गुप्ता आई हुई हैं। किरण, किस तरह से बनाते हैं आप ये गुड़िया? ये जो डॉल्स हैं हम लोग ये जूट से बनाए हुए हैं, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बनाए हुए हैं। और ये जो डॉल्स है ये हम लोग खुद से ही बनाते हैं, ये मेरी फैमिली आर्ट है। इसको हम लोग मम्मी पापा मेरी सिस्टर्स भाई बहन मिलके बनाते हैं। लोगों का किस तरह से रुझान मिल रहा है, कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ऐसे डॉल्स अवेलेबल नहीं है, ये केवल हम लोग ही बनाते हैं। बहुत एक तरह से कहा जाए ना
कि ये बिल्कुल रेयर आर्ट है, इसको लगभग सभी लोग बनाना छोड़ ही चुके हुए हैं। इसको फ्रेंडली है, ये सभी देखिए जूट से बना हुआ है, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बना हुआ है, ये लकड़ी का बेस होता है, इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। इस मेले में आयुर्वेद स्नैक्स भी देखे जा सकते हैं, किस तरह के बनाए गए हैं ये उत्पाद, आइए बात करते हैं डॉक्टर सहरा से। पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने आयुर्वेद के एक्सपीरियंस को मैंने इन न्यूट्रिशन बार्स में डाला है। Our aims to give guilt-free snacks in the society. तो उस तरीके से हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स को अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे इम्यूनिटी के लिए ऐड किया है, उसमें इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा आंवला डाला है, दूसरा हमने प्रोटीन के लिए, फिर हमने किड्स की ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग बनाए हैं। Our snacks are completely sugar-free. ये जैगरी बेस्ड है, इसमें अंजीर है, खजूर है, मतलब पूरा न्यूट्रिशन है, बट साथ साथ टेस्ट भी है। व्यापार मेले में सेबी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या खास है इसके पंडाल में? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जायसवाल जी सेबी से। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE, MFI, उसके अलावा NCDEX, NSDL, CDSL, इन सबके साथ मिलकर ये एक जॉइंट पवेलियन लगाया हुआ है। इसका मुख्य जो आकर्षण है, हम मपेट शो वगैरह कराते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं, जो भी मेले में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर यदि कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने एक रिसेप्शन डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ पर उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उनको रेस्पेक्टिव काउंटर्स पे भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का सही निदान हो सके। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर सर्वे के लिए QR कोड लगवाए हुए हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर बहुत सी योजनाएँ चल रही हैं, क्या योजनाएँ हैं? आशीष हमारे साथ है, आशीष किस तरह की यहाँ पर योजना चालू की है? सर, अभी ये ITPO ने एक कैशलेस सुविधा का वो किया है, जैसे कि ITPO ये चाह रहा है कि हम पूरा इसके अंदर ऑनलाइन आ जाए, हम बिल्कुल कैश को ख़त्म कर दें। इसके अंतर्गत ITPO ने एक ये योजना स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एक कार्ड इशू कर रहा है, फूड कार्ड इशू कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को 450 सर पे करना पड़ेगा और 450 के अंदर 500 रुपये उसके पास आएंगे, मतलब कि 50 रुपये ITPO एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रहा है। इस पर इनिशिएटिव कर रहा है कि वो कार्ड इसको परचेज करें और कैशलेस को पूरा ख़त्म कर दें, कैश को यूज़ ही ना करें। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जो मेले में आ रहे हैं वो 450 रुपये खर्च करें और 500 रुपये का कार्ड प्राप्त करें और जमकर खाएं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। यूं तो पहाड़ी अंचल वाले जनपद सोनभद्र में कमोबेश पूरे वर्ष पानी की किल्लत रहती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो किल्लत है वो बनी रहती है। सोनभद्र में यूं तो जल संरक्षण के क्षेत्र में जिला प्रशासन और कॉरपोरेट घराने अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं, किंतु इससे इतर समाज में ऐसे भी लोग हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बूंद बूंद पानी बचाकर भूजल स्तर को रिचार्ज करने में जुटे हुए हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुसही गांव के रहने वाले हैं 70 वर्षीय डॉक्टर जयनारायण तिवारी। डॉक्टर तिवारी पिछले 5 सालों से अपने सहयोगियों के साथ वर्षा के जल और घरेलू उपयोग से निकलने वाले पानी को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपनी बागवानी को सिंचित करने के लिए भी कर रहे हैं। श्री तिवारी इसी पानी से अपने 2 बीघा के परिसर में मौसमी फल और सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी कर रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण लोगों को एक एक बूंद के महत्व को तो समझाते हैं ही साथ पानी को संरक्षित करने के लाभ को भी लोगों को बताकर उनसे जल संरक्षण का संकल्प भी करवाते हैं। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी, 7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया, वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है, जायकवाड़ी एक डैम है वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है। ये एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूँगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। जयनारायण तिवारी और उनके सहयोगी पुराने कुओं और निष्क्रिय पड़े बोरिंग्स के पास पिट का भी निर्माण करवाते हैं,
जिससे इन जल स्रोतों में जल का स्तर सुधरता है और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगता है। पिट के निर्माण में पानी को गंध रहित और साफ रखने के लिए जलकुंभी के साथ साथ परंपरागत कोयला पत्थर और बालू का भी उपयोग किया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। और कुल्लू जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता को दे रहे हैं। कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को घर पर मिल रहा है, जिनसे जनता फायदा उठा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। कुल्लू जिले में 13 दिसंबर तक दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ये यात्रा चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार ने बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का एक मंशा है कि सबको जो है वित्तीय समावेश बोलते हैं, मतलब बैंकिंग चैनल से जोड़ना है, वो कम से कम इस इलाके में सब लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास नहीं है बैंक के, आपको जहां पर सबसे नजदीक बैंक पड़ता है या जहां पर आप लोगों का खाता चल रहा है वहां पर जाके आप खाता खोल सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे 20 रुपये वाले बहुत छूटे हुए हैं। एक है 436 रुपये वाला, 20 रुपये वाला एक्सीडेंटल का है, मतलब उसमें अगर किसी का डेथ हो जाए तो 2 लाख का मिलेगा उसके परिवार को। कोई अपाहिज हो जाए, दोनों टांगे चले जाए, दोनों हाथ चले जाए, उसको मिलेगा 2 लाख का, और एक टांगे एक पाँव चले तो 1 लाख का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी को पहुंचाई जा रही है। इससे दूर दराज के ग्रामीणों को फायदा पहुंच रहा है। तुलसी भारती की रिपोर्ट, कुल्लू। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। धान के किसान कटाई से हफ्ता 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कटाई का काम समय पर पूरा करें, वरना दानों में सड़न फैलने का अंदेशा रहेगा। धान की कटाई के बाद गेहूं बोने की तैयारी कर लें। गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली क्षार रहित मिट्टी सही मानी जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों, वहाँ गेहूं बोने का सही समय मध्य नवम्बर तक है। वहीं बारानी इलाकों में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बुआई होती है। हाँ, मिट्टी में अगर अच्छी नमी दिखाई दे रही है तो इन इलाकों में भी 15 नवंबर तक गेहूं बोया जा सकता है। दूसरी ओर सिंचाई वाले इलाकों में अगर किसान समय पर गेहूं नहीं बो पा रहे हैं तो फिर पछेती किस्मों का चुनाव करना होगा। पछेती बुआई 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक हो सकती है। उत्तर भारत में धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ने की कटाई के बाद चना बो सकते हैं। बुआई का काम नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर लें। वहीं मटर की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक का होता है। मटर को भी समय से बोले, देर करने पर फसल में फली भेदक का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। धान के बाद खाली खेतों में मसूर की बुआई की जा सकती है। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में मध्य क्षेत्रों में नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। जिन किसानों ने शीतकालीन मक्का बो रखा है वो बुआई के लिए 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई कर लें। वहीं गन्ने की बुआई का काम 15 नवंबर तक जरूर निपटा लें। 15 नवंबर के बाद पड़ने वाली सर्दी गन्ने के अंकुरण को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता बंदरा समारोह में शामिल हुई। राज्य के प्राचीन वैभवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हुए ओडिशा में हर साल बोईता बंदरा समारोह मनाया जाता है।
चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायतु बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए हरी झंडी दी थी। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाकर रायतु बंधु योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज की और ये उसका किसान विरोधी चेहरा दिखता है। के कविता ने तेलंगाना की जनता से अपने वोट के जरिए कांग्रेस को करारा जवाब देने की अपील की। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग पर बचाव अभियान जारी है। पीएमओ की ओर से भास्कर खुलबे और मंगेश गलडियाल ने आज सुबह बचाव अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रहे बचाव अभियान पर कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने श्रमिक के परिवार से भी मुलाकात की। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकों में अनियमितता सामने आने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें कट्टर बेईमान बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार शामिल होगा। गुजरात में बेमौसम बरसात के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। वादा था, बात होगी बदलाव की, उन्नत होती कृषि और किसान की। हमने कोशिशें लगातार की, हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हम सफर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब से रिमोट वाली लड़ाई खत्म। जब जब गट्टू चिंकी आएंगे स्क्रीन पर, गट्टू और चिंकी मम्मी के लाडले हैं, वही पापा के दुलारे। दोनों एकदम टाइम पर खाना खाते हैं, दादी से कहानियाँ सुनते हैं, स्कूल भी टाइम टाइम पर जाते हैं और खेलने कूदने में भी आगे हैं। दोस्तों के दोस्त है तो टीचर्स के फेवरेट। कुल मिलाकर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारे गट्टू और चिंकी। परिवार के खुशियों का असली पिगी बैंक है गट्टू चिंकी। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 27 नवंबर शानदार, 28 नवंबर जुर्म और सजा, 29 नवंबर नादान, 30 नवंबर मकबूल। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।